अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों? कैन बेटा आवाज आ रही दोनों को? यस सर, आ रही है। ओके सो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं जो कि फर्स्ट सेक्शन का लास्ट चैप्टर है, प्रेशर। ठीक है, शॉर्ट सा चैप्टर है तो इसको इंशाल्लाह आज ही हम जो है वो फिनिश करेंगे। सबसे पहले प्रेशर को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, प्रेशर की डेफिनेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इसको आप इक्वेशन में अगर लिखो तो ये बहुत ही इजी सी बात है। जब लिखा हुआ है फोर्स पर यूनिट एरिया तो एसेंशियली आपने फोर्स और एरिया को बस डिवाइड कर देना है, इतनी सी बात है। इसको अगर आप सिंबल्स में लिख लो इक्वेशन को तो स्मॉल पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। अब आपको यहाँ पे यूनिट्स का भी पता होना चाहिए। फोर्स के यूनिट न्यूटन होते हैं, एरिया के यूनिट एसआई में मीटर स्क्वायर होते हैं, तो प्रेशर का यूनिट क्या बन गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज पास्कल्स। ओके सो दीज आर द एसआई यूनिट्स ऑफ प्रेशर। याद रखो प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके सेकेंडली द फोर्स इज अज्यूम्ड टू बी एक्टिंग परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्रीज टू दी एरिया। तो आप जिस फोर्स को जिस भी एरिया से डिवाइड कर रहे हो आप ये भी साथ साथ अज्यूम कर रहे हो कि फोर्स उस एरिया से 90 डिग्री पे एक्ट कर रही है। ठीक है, अच्छा अगर हम इस बात को रियल लाइफ में देखें कि प्रेशर की इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं और प्रेशर का फोर्स से रिलेशनशिप है क्या, तो हम इसको डिफरेंट तरीकों से एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेट्स टेक अ लुक द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स प्रेशर एंड एरिया। सबसे पहले हम एक्सप्लोर करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड एरिया। लेकिन इसके अंदर हम अज्यूम क्या करेंगे? इफ फोर्स इज कॉन्स्टेंट तो प्रेशर फोर्स और एरिया के इक्वेशन में तीन चीजें आ रही, तीन वेरिएबल्स आ रहे हैं, उसमें से एफ वाले वेरिएबल को आपने कांस्टेंट अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब जब आप यहाँ पे इक्वेशन लिखते हो, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ से आपको क्लियरली पता चल जाना चाहिए कि प्रेशर, अगर फोर्स कॉन्स्टेंट है तो प्रेशर और एरिया कैसे रिलेटेड है? दे आर inversely proportional। प्रेशर और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस बात को अगर आप एक्सप्लोर करना चाहो फर्दर तो इस तरह कर सकते हो कि सपोज कर लो आपके पास ये ग्राउंड है। ओके सपोज करो ये आपके पास एक सर्टन एरिया है, ठीक है, एक फ्लोर है और इसके ऊपर आप ब्लॉक्स रखते हो डिफरेंट। ठीक है, सो मेरे पास सेम साइज के बहुत सारे एक जैसे ब्लॉक्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं बहुत सारे ब्लॉक्स जो हैं वो बना लेता हूँ अपने पास, यहाँ पे एक ही जैसे बहुत सारे ब्लॉक्स बना लेते हैं। अब यहाँ पे ये मेरे पास इस ब्लॉक की कॉपी है। ठीक है, मैंने एक ब्लॉक को इस तरह प्लेस किया अपने एरिया के ऊपर, ये टेबल है, टेबल के ऊपर मैंने दो आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं। ठीक है, यहां पे ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है और बराबर में इस ब्लॉक को मैं कैसे रख रहा हूं? उसी सेम आइडेंटिकल ब्लॉक को अब मैं कैसे प्लेस कर रहा हूं? इस तरह प्लेस करो।
क्या समझ में आ रही है बात? व्हाट एम आई डूइंग ओवर हियर विद द ब्लॉक? सेम ब्लॉक है बट आई हैव प्लेस्ड इट इन अ डिफरेंट वे. क्या किया मैंने? टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स. कैन यू शो द प्रीवियस स्लाइड? एक मिनट रुको बेटा, जो है मैं ये बात लिख लूं फिर उसके बाद दिखाता हूं. सो टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं, इसका मतलब उन दोनों का वेट सेम है, राइट? दोनों का ब्लॉक का वेट सेम है, मतलब वो फोर्स दोनों सेम लगा रहे हैं हमारे फ्लोर के ऊपर, दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं. सो टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स आर प्लेस्ड ऑन द टेबल. You have to think about which one, which block exerts more pressure. So what do you think? Depending on what we have just studied above, जो हमने relationship ऊपर लिखा है उससे हमें क्या पता चल रहा है, which block exerts more pressure? Number one. Vertical वाला. So इनको हम number दे देते हैं, इसको मैं one बोल देता हूँ और इसको two बोल देता हूँ. तो ज्यादा pressure कौन एग्जर्ट कर रहे हैं, इसका आंसर हम क्या दे रहे हैं बताओ दोबारा से. आंसर आप दे रहे हैं टू, ब्लॉक टू एग्जर्ट्स मोर प्रेशर. अब इसके बारे में सोचो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जोया मतलब याद है क्या होता था? अगर मैं कह रहा हूँ प्रेशर और एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इस बात का मतलब याद है क्या होता था? कैन यू रिमाइंड मी व्हाट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मींस? अगर एक ज्यादा होगा दूसरा कम होगा. एग्जैक्टली. तो कौन सा वाला ब्लॉक है जिसका ज्यादा एरिया टच हो रहा है टेबल के साथ? वन. और टू का कम एरिया टच हो रहा है, मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये जो एरिया है ये ए वन है और यहाँ पे जो एरिया है वो ए टू है, राइट? सो हम इसका रीजन देंगे ना, ब्लॉक टू एग्जर्ट्स मोर प्रेशर बिकॉज ब्लॉक टू हैज लेस एरिया in contact with the surface, right? अब इसकी real life example क्या है? इसकी real life example बहुत ही common real life example है. क्या example है? कोई भी मुझे example सोच के बताओ कि जहां पे आप same force लगाओ लेकिन उसका effect different आता है. Pressure जो है वो कम area के साथ ज्यादा लगता है. Any, can you think of any real life example? यहाँ पे ये बात अप्लाई होती हो, सोचो जरा इस बारे में. एक मिनट जरा होल्ड करो, तब तक सोचो, मैं एक सेकंड वापस आ रहा हूँ, ठीक है? जस्ट होल्ड ऑन. All right. So did you think of any example? कोई चीज आई ज़हन में? नहीं? No example? Sir, जो knife होती है. Knife वाली example. क्या है knife वाली example? सोचो जरा, बताओ क्या सोच रही हो उसके बारे में. उसकी जो tip होती है वो ज़्यादा sharp होती है, उससे ज़्यादा आराम से कट जाता है. Exactly. मतलब अगर आप knife की blunt वाली edge use करें और कंपेयर टू दैट अगर आप नाइफ की
व्हाट डू यू से, शार्प वाली एज यूज करें तो दे हैव डिफरेंट इफेक्ट्स, राइट। तो हम इसको यहाँ पे अभी शो कर सकते हैं। लेट्स सपोज टेक अ नाइफ ब्लंट ब्लंट एज वर्सेस शार्प एज। लेट्स सी इफ यू कैन गेट अ गुड पिक्चर आउट ऑफ दिस। सो आपकी जो नाइफ की ब्लंट एज है और शार्प एज है, उसके बीच में सरफेस एरिया का ही मेन फर्क है ना, सरफेस एरिया का ही मेन फर्क है ना। अगर आप शार्प एज को देखो और ब्लंट एज को कंपेयर करो, सो लेट सपोज ये है दो नाइफ्स हमारे पास, एक मिनट रुको, हमारे पास ये दो नाइफ्स हैं, इनको हम यहाँ पे लेकर आते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। हमारे पास ये दो नाइफ्स हैं, राइट। अब जो डल नाइफ है, एक मिनट रुको, इस एग्जांपल को नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ जगह नहीं बची। सो हम बात ये कर रहे थे कि आपकी जो डल नाइफ है उसके अंदर एरिया बहुत ज्यादा है, यू कैन सी, जबकि जो शार्प नाइफ है उसका एरिया बहुत स्मॉल है। सो ऑब्वियसली इवन इफ यू एग्जर्ट द सेम फोर्स, लेट सपोज यू आर कटिंग सम वेजिटेबल और सम फ्रूट, तो आप शार्प एज ही यूज करते हो ना। अगर आप डल एज यूज करो और उतनी फोर्स लगाओ तो फ्रूट उससे कट नहीं होगा, जबकि डल वाली शार्प एज से जो है वो इजीली कट हो जाता है। सो हमारे पास एक एग्जाम्पल दिख गया, ठीक है, और क्या एग्जाम्पल दें। सो लेट सपोज एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपने स्नीकर्स पहने हुए हैं वर्सेस हील्स पहनी हुई हैं, ठीक है, अब आप किसी के ऊपर जो है वो खड़े हो जाओ ये पहन के, राइट। लेट सपोज यू स्टैंड ऑन समवन हु इज लाइंग डाउन। अब अगर आपने स्नीकर्स पहने हुए हैं तब उसको ज्यादा दर्द फील होगा, या जब उसने क्या कहते हैं, जब आपने हील्स पहनी हुई तब उससे ज्यादातर फील होगा, क्या ख्याल है आपको? हील्स क्योंकि प्रेशर ज्यादा होगा, एग्जैक्टली। और उसकी उसकी वजह क्या है, उसको फर्दर एक्सप्लेन कैसे करेंगे? एरिया कम होगा तो इसलिए प्रेशर ज्यादा लगेगा। आपके वेट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, जब ऊपर से फोर्स लगा रहे हो वो तो सेम है दोनों केसेस में, बट यहाँ एरिया ज्यादा है और यहाँ एरिया बहुत कम है, राइट। सो अगेन वी कैन से दिस कि यहाँ पे लार्ज एरिया है, यहाँ पे है स्मॉल एरिया, राइट। इवन दो इफ द सेम पर्सन इज वेयरिंग इट, अगर सेम बंदा ही पहना है, एक ही बंदा जो है वो दोनों चीजें पहने है, तो फोर्स तो सेम लगती है ना, फोर्स तो सेम लगती है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यार फोर्स तो सेम लग रही है, तो फर्क किस बात का आ रहा है, दर्द ज्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि प्रेशर ज्यादा लग रहा है बिकॉज ऑफ द लेस एरिया। सेम फोर्स, बट द ओनली डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन एरियाज, एंड दैट्स वाई यहां पे लग रहा है लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड, जबकि यहां पे क्लियरली मोर प्रेशर। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर वॉकिंग इन सॉफ्ट स्नो, तो कौन से टाइप के जूते ज्यादा सूटेबल हैं, हील्स या फिर स्नीकर्स? हील्स हील ज्यादा सूटेबल है, कैसे? वो स्नो के अंदर नहीं जाती रहेंगी बार बार। चलो लेट्स सपोज यू आर वॉकिंग इन द डेजर्ट, यू आर वॉकिंग इन द डेजर्ट, सैंड ड्यून्स हैं बहुत सारे, सॉफ्ट सैंड है उसके ऊपर वॉक कर रहे हो, तो स्नीकर्स ज्यादा फायदेमंद है या स्नीकर्स? स्नीकर्स? क्योंकि हील्स पहनोगे तो ये तो अंदर जाती रहेंगी बार बार, सो दैट वुड बी रियली हार्ड टू वॉक विद देम, राइट। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो अभी तक हमने किस चीज के बीच में रिलेशनशिप डिस्कस कर लिया, प्रेशर और एरिया के बीच में, प्रेशर और एरिया के बीच में रिलेशनशिप डिस्कस किया। अब जब मैंने कहा ना कि यार ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है कि एरिया कम होने से प्रेशर ज्यादा होता है, बल्कि अब इस बात को भी रियलाइज करो बेटा, इस बात को भी रियलाइज करो कि अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस मैथमेटिकल पॉइंट, इफ फोर्स इज केप्ट सेम
फोर्स इज केप्ट कांस्टेंट बट एरिया इज डबल्ड, मतलब एरिया टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्रेशर पे क्या अफेक्ट आएगा? हु कैन टेल मी? अगर आप एरिया को टू टाइम्स इंक्रीज कर दोगे तो प्रेशर कितने टाइम्स डिक्रीज होगा? टू टाइम्स, टू टाइम्स ही डिक्रीज होगा, मतलब टू से डिवाइड हो जाएगा. सो इफ फोर्स इज केप्ट सेम बट एरिया इज डबल्ड देन प्रेशर विल बी हाफ एज इन डिवाइडेड बाय टू एंड दिस पॉइंट गोज ऑन एंड ऑन. अगर एरिया थ्री टाइम्स बढ़ जाएगा प्रेशर थ्री टाइम्स कम हो जाएगा, एरिया हंड्रेड टाइम्स बढ़ जाएगा प्रेशर हंड्रेड टाइम्स कम हो जाएगा. इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई. ये रिलेशनशिप हमें समझ में आ गया तो आगे हम बात करते हैं एक और चीज की, जो कि दूसरा रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स. ये बात भी तो ट्रू है ना कि अगर आप एरिया सेम रखो लेकिन ज्यादा प्रेशर लगाओ तो, ज्यादा फोर्स लगाओ तो प्रेशर भी ज्यादा लगना चाहिए. सो रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स. अब हम क्या अज्यूम कर रहे हैं? If area is kept constant, अब यहां पर जरा एग्जाम्पल थोड़ी सी मिलती जुलती एग्जाम्पल लेते हैं. ये आपके पास एक टेबल है ठीक है, एंड लेट सपोज आई हैव ब्लॉक्स, मल्टीपल ब्लॉक्स है मेरे पास एक ही तरह के आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं, तो इनकी मैं कॉपीज बना लेता हूँ बहुत सारी. ठीक है, अब होगा हो यहाँ पे ये रहा है कि मेरे पास यहाँ पे दो ब्लॉक्स रखे हैं, एक दो ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास रखे हुए हैं तीन ब्लॉक्स, सेम आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं. सो प्रेशर कहाँ पे ज्यादा लग रहा होगा? थ्री ब्लॉक्स जो है वो ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, राइट? सो टू, पहले हम यहाँ पे एक कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं. ऑल ब्लॉक्स आर आइडेंटिकल, मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो सब सेम वेट के हैं. ठीक है, अब हम बताएंगे व्हेन थ्री ब्लॉक्स are stacked, pressure will be more. इसको कौन explain करेगा? Reason क्या होगा इसका? How would you describe the reason? How would you explain कि तीन block ज़्यादा pressure क्यों लगा रहे? Force ज़्यादा. Force ज़्यादा है, जबकि area उतना ही है. Area उतना ही है because force exerted by three blocks is more, whereas area of contact is the same. ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आपके पास इसकी रियल लाइफ एग्जांपल क्या है. लेट्स टेक अ रियल लाइफ एग्जांपल आउट ऑफ दिस. सो सपोज कर लो मेरे पास एक चेयर है ठीक है. लेट्स सपोज आई हैव अ चेयर, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर. ऐसी क्या एग्जांपल हमारे सामने आती है जिसमें हमारे पास फोर्स ज्यादा बढ़ाने से प्रेशर क्लियरली ज्यादा लग रहा होता है? सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ इट. इसके अंदर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ही रखते हैं कि लेट सपोज मेरे पास एक चेयर है ठीक है. एक चेयर बना लेते हैं हम यहाँ पे, या फिर उसकी पिक्चर डाउनलोड ही कर लेते हैं. नॉट वेरी गुड एट ऑल. चलो यहाँ से पिक्चर ले लेते हैं. ओके, लेट्स टेक अ सिंपल चेयर. ये मेरे पास एक चेयर है ठीक है. इस चेयर पे मैं क्या करता हूं,
एक मिनट रुको भाई, रुक गई। ऑलराइट, लेट्स टेक अ लुक एट दिस चेयर फॉर अ मिनट। इसकी पिक्चर जरा क्रॉप कर लेते हैं थोड़ी सी। अब इस चेयर के बारे में बात ये करनी है कि यार सपोज करो ऐसी दो एग्जैक्ट हमारे पास है, ठीक है? सो सेम एग्जैक्ट चेयर्स है मेरे पास, दो आइडेंटिकल चेयर्स रखी हैं, ठीक है? एक चेयर पे जो है वो मैं बैग ऑफ सैंड रख देता हूँ, या एक चेयर पे मैं चार बुक्स रख देता हूँ, ठीक है? और दूसरी चेयर है उस पे मैं सेम उसी तरह की दो बुक्स रखता हूँ। कहाँ पे कौन सा फ्लोर पे ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा, कैसे हम इस बात को एक्सप्लेन कैसे करेंगे और रीजनिंग क्या देंगे, और पहले तो बताओ कि कंक्लूजन क्या है हमारी कि कहाँ पे ज्यादा प्रेशर लग रहा है? पहले वाले। अब यहाँ पे हम ये डिफरेंस क्या है दोनों केसेस में, जो फोर्स लग रही है यहाँ पे वो ज्यादा है, राइट? ओके, ज्यादा बुक्स रखी हुई है, जबकि यहाँ पे जो है फोर्स है उसके मुकाबले में आधी लग रही है। वेयर एज, अच्छा मैं प्रेशर की कहाँ की बात कर रहा था, मैं प्रेशर की बात कर रहा था यहाँ की फ्लोर पे प्रेशर की। अब वो तो सेम है ना, क्योंकि एग्जैक्ट जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है वो तो सेम है, राइट? सेम एरिया, हम ये कह सकते हैं ना कि दोनों केसेस में सेम एरिया है ऑफ कॉन्टेक्ट विद ग्राउंड। सो कंक्लूजन क्या निकली? सो यहां पे लग रहा है मोर प्रेशर, यहां पे लग रहा है लेस प्रेशर, ठीक है? अब आप लोगों को मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपने वो मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे जल्दी से, ठीक है? सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ओवर हियर। ठीक है, सो आपको एक ब्लॉक दे रहा हूं मैं, ठीक है? आई एम गिविंग यू अ ब्लॉक ओवर हियर। इस ब्लॉक को जरा गौर से देखो और क्वेश्चन को ना आपने बहुत गौर से पढ़ना है। सो दिस इज अ ब्लॉक, copy this picture and bring it over here. Question इसके बारे में ये है, find, what do you need to find? The maximum and minimum pressure that can be exerted by the block, ठीक है? तो आपने दो प्रेशर की वैल्यूज बतानी है, ये मैक्सिमम प्रेशर कितना लगा सकते हैं और मिनिमम प्रेशर कितना लगा सकता है, हमें उसके बारे में सोचना है। तो अब आप मुझे सोच के बताओ और फिर उसके बाद इसको हम आंसर को डिस्कस करते हैं जल्दी से, ठीक है? दो मिनट है मैक्सिमम, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, इजी एग्जांपल है, सो होपफुली आप लोग जल्दी कर लोगे। शाबाश, आई एम वेटिंग। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फॉर्मूला सबको याद है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, सिंपल सा फॉर्मूला। फोर्स क्या होगी, इस ब्लॉक का वेट ही होगा, लेकिन एरिया अब आपको सोचना पड़ेगा कि मैक्सिमम प्रेशर के लिए क्या होगा और मिनिमम प्रेशर के लिए क्या होगा। ऑलराइट, सोचो इसको फिर आगे चलते हैं। उज़ैफ़ा तुम्हारे प्रेशर के यूनिट में थोड़ी सी गलती है, न्यूटन पर मीटर नहीं होता, ठीक है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। जी बच्चों,
जब प्रेशर मैक्सिमम होगा कैसे होगा? फॉर मैक्सिमम प्रेशर एरिया शुड बी, क्या लिखना चाहिए? एरिया ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए या कम से कम होना चाहिए? एरिया कम से कम। शुड बी मिनिमम। तो मुझे अपने ब्लॉक को किस फेस के ऊपर खड़ा करना पड़ेगा? इस वाले फेस के ऊपर, या जो ग्रीन वाला शेड है उसके ऊपर, या फिर ये वाला? कौन से वाले की बात कर रहे हो? और एंडिंग वाला, ये वाला क्या? इसके ऊपर इसको खड़ा करना पड़ेगा। और इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? 6 2 by 3। 6, गुड। सो इसका मतलब हमें यहाँ पे, जब हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं और प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एरिया यहाँ पे मिनिमम वाला लेंगे। प्रेशर मैक्सिमम के लिए एरिया मिनिमम वाला चाहिए होगा। ऑलराइट, चलो और जल्दी से कैलकुलेट कर लें। फोर्स तो उसका वेट है 24 न्यूटन, और तो कोई फोर्स नहीं लग रही यहाँ पे। अगर एडिशनल ऊपर से कोई फोर्स लग रही होती तो वो ऐड कर देते, लेकिन नहीं लग रही। एरिया हम लेंगे 2 by 3, सो 24 divided by 6 गिव यू 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसका सही हम जो दूसरा नाम है वो क्या है? 4 पास्कल्स। अच्छा, अब अगली बात कर लेते हैं। फॉर मिनिमम प्रेशर क्या लिखना चाहिए मुझे बताओ, सेंटेंस कंप्लीट करो। एरिया शुड बी मैक्सिमम, हम 4 वाला लेंगे। बताओ कौन सा वाला एरिया लेंगे, बताओ जोया, उसके डायमेंशंस बताओ। 4 by 2। 4 by 2 नहीं, सॉरी 3 होगा, 4 by 3। अगर हाँ, अगर 4 by 2 लूंगा तो आप वो बेसिकली कौन सा वाला हो जाएगा? वो ये वाला हो जाएगा, लेकिन ये इससे भी ज्यादा एरिया इस वाले साइड का है, जो ग्रीन वाली या जो ये टॉप वाला है। ठीक है, सो मैक्सिमम प्रेशर वो वाला लेना है जिससे सबसे ज्यादा बड़े नंबर हो, जिसमें लेंथ और ब्रेथ के। सो जब प्रेशर मिनिमम चाहिए, फोर्स तो वही है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा, एरिया आपको मैक्सिमम चाहिए। तो उसमें वेट तो वही है 24, बट अब यहाँ पे 4 by 3, जैसे अभी इन्होंने ग्रीन शेडेड एरिया में रख के दिखाया, वो उस तरह प्लेस करेंगे। तो 24 upon 12 2 pascals आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो 4 and 2 आंसर समझ के बाद सही आंसर मिल गया सबको अब। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड्स। ठीक है, किस चीज की अब हम बात करेंगे? प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड्स। जब लिक्विड्स प्रेशर लगाते हैं तो उसमें 3-4 बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भूलना नहीं है। नंबर 1, प्रेशर इन अ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल, एज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ। जितना ज्यादा पानी डीप होगा उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा। इस बात को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट है, इस चीज को जरा विजुअलाइज करने की कोशिश करो। ये जो डायग्राम में बात दिखाई हुई है, टेल मी व्हाट यू सी इन द पिक्चर एंड टेल मी व्हाट, हाउ वुड यू डिस्क्राइब दिस, लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस पिक्चर, इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। सो लुक एट द पिक्चर एंड टेल मी व्हाट यू सी इज हैपनिंग। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ बता सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है? सर, पानी अलग अलग पॉइंट से निकल रहा है, राइट? लेकिन सबसे ज्यादा प्रेशर से पानी कहाँ से निकल रहा है? स्मॉल होल्स। होल्स तो सारे बराबर साइज के हैं जोया, ये बताओ सबसे ऊपर वाले होल, सबसे ऊपर वाले होल से पानी ज्यादा प्रेशर से निकल रहा है? जरा गौर से देखो, यहाँ से जो पानी निकल रहा है फौरन नीचे गिर रहा है, यहाँ से पानी थोड़ा और दूर जाके गिर रहा है, यहाँ से पानी बिल्कुल ऐसे ज्यादा प्रेशर से बाहर आ रहा है। सो व्हाट वी आर सीइंग इज कि जितना ज्यादा डेप्थ पे है पानी, जितना डीप है पानी, मतलब सरफेस से जो पानी जितना ज्यादा नीचे है उससे उतना ही ज्यादा प्रेशर से पानी निकल रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेशर से पानी निकल रहा है, इस बात को यहाँ पे लेबल कर लेते हैं।
ठीक है, इस बात को यहाँ पे लिख भी लेते हैं, डिस्क्राइब भी कर लेते हैं. सो लेट्स डिस्क्राइब द पिक्चर, विल डिस्क्राइब व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर. वॉटर कम्स आउट विद मोस्ट प्रेशर फ्रॉम द पॉइंट दैट इज एट द ग्रेटेस्ट डेप्थ. अच्छा यहाँ पे एक बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे, हाइट का वर्ड यूज करते हैं. हाइट का वर्ड ना यूज करो. किस चीज का वर्ड यूज करो? डेप्थ. डेप्थ का वर्ड यूज करें. और डेप्थ हमेशा कहां से मेजर होती है? डेप्थ नीचे से मेजर होती है या ऊपर से मेजर होती है? जब हम कहते हैं पानी डीप है तो हम सरफेस से मेजर कर रहे हैं या नीचे से? सरफेस से. सरफेस से. सो डीप पानी की बात जब हो रही है तो उसके सरफेस से हम मेजर कर रहे हैं. ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे विजुअलाइज भी करते हैं. दैट इज एट द ग्रेटेस्ट डेप्थ फ्रॉम द टॉप सरफेस. सो लेट मी ड्रॉ थ्री डिफरेंट डेप्थ्स ओवर हियर. जैसे ये वाले होल की डेप्थ ये है, ये वाले होल की डेप्थ ये है, और ये वाले होल की डेप्थ ये है. तो ये जो पहला वाला होल था इसकी सरफेस से ये हाइट बन रही है सर, ये डेप्थ, राइट. दूसरा वाला जो है उसकी जरा डेप्थ देखो, ज्यादा है ना. और तीसरा वाला सबसे ज्यादा है. तो जितना ज्यादा हाइट होगी उतना ही ज्यादा प्रेशर से पानी बाहर आएगा. बट आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि इट इंक्रीजेस, बट आई एम यूजिंग द वर्ड प्रोपोर्शनल जो कि मैंने पहले भी यूज किया. इसका मतलब है डेप्थ अगर आप डबल कर देंगे तो प्रेशर भी डबल ही हो जाएगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना चाहिए. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख देता हूं ताकि इनवर्स प्रोपोर्शन से आप इसको कंफ्यूज ना करो. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ. सो हम यहाँ पे लिख रहे हैं पी इज प्रोपोर्शनल टू एच. आगे बात करते हैं इसके बारे में. एक और मजे की बात है, पॉइंट नंबर टू ये है कि प्रेशर प्रेशर एट वन डेप्थ एट अ पर्टिकुलर डेप्थ. ठीक है, कोई एक डेप्थ है, कोई एक डीप पॉइंट है जिसपे सारे पॉइंट्स पे. अब यहां पे बात क्या है, प्रेशर एट वन डेप्थ एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है कैन में होल करके. अब इस वाले पॉइंट को जरा चेक करो, इस बात को जरा देखो कि यहां पे हो क्या रहा है. तीनों होल्स में से ज्यादा डीप कौन सा है? देखो पिक्चर को. या वुड यू से दे आर ऑल एट द सेम डेप्थ? क्या ख्याल है आपका? खुद ही देखो गौर से फिर बताओ, ज्यादा नीचे होल कौन सा किया हुआ है सरफेस के मुकाबले में, या सारे सेम डेप्थ पे किए हैं? सेम है सब. यस, सो हम कह सकते हैं वॉटर कम्स आउट विद सेम प्रेशर from all holes in different directions, क्योंकि वो different different उनकी directions हैं. So in different directions. लेकिन क्योंकि same depth पे है तो इसलिए same pressure से पानी बाहर आ रहा है. Is that clear? बात समझ में आ गई. तो pressure equally सारी directions में act करता है. ये नहीं होता कि भाई यहां से इस डायरेक्शन में ज्यादा प्रेशर लग रहा है, इस डायरेक्शन में कम प्रेशर लग रहा है. डायरेक्शन जो है वो हर एक ही, हर तरफ एक ही डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू एक ही होती है. ठीक है, आगे बात करते हैं. तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट ये है लिक्विड प्रेशर के बारे में कि अ लिक्विड फाइंड इट्स ओन लेवल. ये बहुत एक इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है.
जिसके ऊपर हम जिसकी बेसिस में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, बैरोमीटर, मैनोमीटर, प्रेशर वाले इंस्ट्रूमेंट जो है वो काम करते हैं। ठीक है, अब हम इस बात को समझने के लिए कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वाली सिचुएशन देखो जरा, यहाँ ये वाली पिक्चर को ऑब्जर्व करो, फिर इसको हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे हो क्या है। सो व्हाट यू आर लुकिंग एट इज अ यू ट्यूब। ठीक है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट है, एक का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, एक का क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि यार आप ये चेक करो कि अभी तो दोनों जगह पे पी वाली साइड पे और क्यू वाली साइड पे डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे लिक्विड, और बीच में हमने एक वेल्व लगाया हुआ है। वेल्व जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पानी को पास नहीं होने दे रहा, वेल्व इज क्लोज्ड। ओके, अब बात सारी ये है कि अभी ज्यादा प्रेशर कहाँ पे लग रहा है, पी पे लग रहा है या क्यू पे, इस बात को कौन बता सकता है मुझे? एनी आइडिया? पी पे ज्यादा प्रेशर लग रहा हाँ है, पी होगा, पॉइंट पी पे लग रहा है ना, और रीजन क्या देंगे, क्या रीजन देंगे? एरिया कम एरिया कम है। अच्छा, एरिया यहाँ पे नहीं मैटर करता, उसके अलावा दूसरी रीजन बताओ जो हमने पॉइंट नंबर वन में पढ़ी थी। है और डेप्थ ज्यादा है। डेप्थ ज्यादा है, पॉइंट पी का सरफेस से डेप्थ ज्यादा है जबकि पॉइंट पी की कम है। अब क्यू के बारे में भी हम बात करेंगे कि क्यों डेप्थ प्रेशर मैटर नहीं करता, और इस बात को भी हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हम बात ये करेंगे बेटा कि देखो इनिशियली प्रेशर एट पी इज ग्रेटर देन क्यू बिकॉज ऑफ ग्रेटर डेप्थ। अब जब ये वेल्व ओपन किया जाता है, ठीक है, सो शुरू में क्या था, वेल्व इज क्लोज्ड मतलब पानी पास नहीं कर सकता, पी से क्यू वाली साइड पे, क्यू से पी वाली साइड पे। अब उसके बाद मैं वेल्व को ओपन करता हूँ, वेल्व इज देन ओपन, आपके ख्याल में पानी किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, पी से क्यू वाली साइड पे पानी जाएगा या क्यू से पी वाली साइड पे पानी जाएगा? एनी गैसेस, पानी को कहाँ फ्लो करना चाहिए, पी से क्यू या क्यू से पी? पी क्यों से क्यू की डायरेक्शन में पानी फ्लो करेगा, और इसकी वजह याद रख लो, हमेशा पानी हमेशा किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर वैल्यू पे। सो हम बोलेंगे वाटर फ्लोज फ्रॉम पी टू क्यू, क्या बोलेंगे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, कब तक पानी फ्लो करता रहेगा, कब तक पानी फ्लो करता रहेगा आपके ख्याल में, कोई पॉइंट ऐसा आएगा जब पानी फ्लो करना रुक जाएगा या फॉरएवर ही जाता रहेगा और पी खाली हो जाएगा और क्यू पूरा भर जाएगा, ऐसा भी तो नहीं होगा ना? एग्जैक्टली, जबरदस्त, वॉटर स्टॉप्स फ्लोइंग व्हेन डेप्थ ऑफ पी एंड क्यू इज सेम। अब आप सोच रहे होगे यार कि अगर सपोज कर लो कि यहां पे पानी का लेवल ये हो जाता है और यहाँ भी पानी का लेवल ये हो जाता है, तो क्यू क्यू वाली साइड तो थोड़ी ज्यादा मोटी है ना, तो क्यू में तो ज्यादा पानी होगा, क्यू में पानी का वेट ज्यादा है, तो क्या प्रेशर भी ज्यादा नहीं लगना चाहिए? ये एक बड़ा की पॉइंट है, ये आपके जहन में आएगा, आना चाहिए, आपके जहन में सवाल आना चाहिए यार कि मतलब प्रेशर तो पी क्यू पे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, राइट? लेकिन इसका जवाब नो है, प्रेशर दोनों जगह पे असल में सेम ही लग रहा होगा, क्यू पे ज्यादा प्रेशर नहीं लग रहा होगा। एनीवन हु कैन एक्सप्लेन दिस यूजिंग व्हाट वी हैव लर्न्ड सो फार, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं यूज होगा, वही पुराने कॉन्सेप्ट यूज करके हम एक्सप्लेन करेंगे। यू हैव लर्न्ड एवरीथिंग, यू जस्ट नीड टू कनेक्ट द डॉट्स। सोचो जरा, मैं कह रहा हूँ कि क्यू पे प्रेशर ज्यादा नहीं लगेगा, इवन दो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे ये पाइप मोटा है, यहाँ पे पानी ज्यादा है, यहाँ पे कम पानी होगा अगर ये सेम डेप्थ पे आ जाए, तो फिर क्यू और पी पे प्रेशर बराबर क्यों है और क्यू पे ज्यादा प्रेशर क्यों नहीं लग रहा? एट दिस पॉइंट मैं बोल रहा हूँ
एट क्यू, बताओ सोचो जरा, नहीं आ रहा जहन में आंसर, चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो मेरी बात सुनो, पी में पानी का वेट ज्यादा होगा, इस बात से एग्री करते हैं सब लोग, पी वाली साइड पे अगर सेम डेप्थ है तो पानी का वेट यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे पानी का वेट कम होगा, इससे तो कोई डिसएग्री नहीं करता, एम आई राइट? लेकिन एरिया किस साइड पे ज्यादा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इस साइड पे ज्यादा है या इस साइड पे ज्यादा है? क्यू पर, क्यू पे। फोर्स के बढ़ने से प्रेशर बढ़ गया, पानी का वेट ज्यादा है, आप कहते हो ठीक है यहाँ ज्यादा प्रेशर लगना चाहिए, लेकिन यहाँ एरिया भी तो ज्यादा है, और एरिया के ज्यादा होने से प्रेशर क्या हो जाता है, कम। तो इसका मतलब वो जो अफेक्ट था ज्यादा पानी होने का, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया से कैंसल आउट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इन केस ऑफ लिक्विड्स यू नेवर रियली लुक एट द क्रॉस सेक्शनल एरिया, आप सिर्फ और सिर्फ हाइट को देखेंगे और अपना जवाब देंगे, हाइट इज द ओनली कंसर्न, एंड उसके अलावा एक चीज और है जो हम देखेंगे, बट हाइट इज द ओनली कंसर्न, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नॉट द कंसर्न। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि इसका एरिया ज्यादा है उसका एरिया कम है, ये पाइप मोटा है पाइप पतला है, दोनों में प्रेशर सेम है अगर डेप्थ सेम है, ओके? इस बात को समझ लो, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इस बात को, ठीक है? मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, इवन दो वेट ऑफ वाटर अबव क्यू will be more, but cross-sectional area will also be more. So pressure at Q and P will be same. ठीक है, इसकी एक और डेमोन्स्ट्रेशन है कि अगर आप पानी को फ्रीली छोड़ दो, पानी को दो ट्यूब्स कनेक्टेड ट्यूब्स के बीच में फ्लो करने दो, तो ये गारंटीड बात है कि चाहे ट्यूब्स का कोई भी साइज हो कोई भी शेप हो, उनमें पानी जो है वो एक डेप्थ पे आके सेट हो जाएगा। और उसकी ये वाली डेमोन्स्ट्रेशन भी बहुत अच्छी है, ये वाली जो पिक्चर है ये इसको बात को बहुत क्लियरली शो कर रही है। ऑलराइट, क्या शो हो रहा है यहाँ पे, तीन जगह पे आपने पानी डाला, लेकिन आप देख सकते हो कि जो मर्जी आप कर लो तीनों का शेप और साइज डिफरेंट है, तीनों का शेप और साइज डिफरेंट है, बट द वाटर सेटल्स एट इक्वल डेप्थ सिंस दे आर कनेक्टेड। अगर आप इधर से भी सारा पानी डालो और इधर ना डालो, फिर भी पानी इवेंचुअली सारी जगहों पर फिल अप होके बराबर डेप्थ पे आ जाएगा। वैसे ये क्यों होता है? इस वजह से क्योंकि पानी ने अपना प्रेशर जो है वो हर जगह एक मेंटेन करना होता है। ये जो सारी जगह है देखो, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ए बी सी, ये सेम डेप्थ पे हैं, ये सेम लेवल पे हैं, तो यहाँ पे पानी ने अपना प्रेशर एक ही मेंटेन करना होता है, इसलिए वो अपनी ऊपर हाइट भी सारी कनेक्टेड ट्यूब्स में सेम ही मेंटेन रखता है। सो दैट्स व्हाट वाटर डज, हमेशा वो लेवल अप हो जाएगा हमेशा। अगर आपके एक रूम में पानी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज करो बारिश है, बारिश हो रही बहुत ज्यादा, और आपके रूम में बहुत ज्यादा पानी आ गया बेडरूम में। अब आप वाइपर लेकर आए, आपने सोचा कि यार मैं इस पानी को निकाल के टीवी लाउंज से बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है, आपने दरवाजा खोला लेकिन टीवी लाउंज में पानी और भी ज्यादा भरा हुआ है, तो क्या दरवाजा खोलने के बाद आपके रूम से टीवी लाउंज में पानी जाएगा या टीवी लाउंज से कमरे में पानी आ जाएगा? और नहीं होगा, सेम रहेगा। दोबारा से सोचो जरा, मैं सवाल को रिपीट करता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये आपका रूम है, मैं कहता हूँ ये आपका रूम है, ये आपका रूम है, इसमें इतना पानी है, और बाहर ये टीवी लाउंज है, इसके अंदर इतना पानी है, आपने वाइपर खोला, आपने दरवाजा खोला बीच में, और आपने सोचा कि यार मैं रूम से पानी टीवी लाउंज में डाल दूंगा, क्या ऐसा पॉसिबल होगा? नहीं होगा, टीवी लाउंज का पानी कमरे में आ जाएगा। टीवी लाउंज का पानी कमरे में आ जाएगा, एग्जैक्टली। ठीक है बेटा, आखिरी बात होगा, हाँ, अगर हमने गैसेस के साथ ये करा तो तब भी ना सब एक ही जगह बैलेंस। गैसेस देखो, इफ गैसेस आर वेरी हैवी, लाइक इफ अगर गैसेस बहुत हैवी गैसेस हैं, एयर से ज्यादा हैवी गैस है, ठीक है, और वो आप तो उसके अंदर आप नोटिस ये करोगे दे बिहेव प्रीटी मच द सेम एज लिक्विड्स। गैसेस दैट आर हैवियर देन एयर एंड क्वाइट डेंस, वो जो सेटल डाउन कर जाती है वो काइंड ऑफ लिक्विड की तरह ही बिहेव करती है। लेकिन जो गैसेस लाइटर देन एयर हैं और बहुत ज्यादा इजीली एक्सपेंडेबल हैं, उनका जरा बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल काइंड ऑफ होता है। अनप्रडिक्टेबल तो नहीं होता, लेकिन वो ये करती है कि वो पूरे कंटेनर को फिल कर देती है।
जैसे सपोज करो आपके पास एक छोटे से फ्लास्क में एक सर्टन गैस है, लेकिन वो बहुत ही लाइटर देन एयर गैस है, और वो बहुत ज़्यादा इजीली जो है वो क्या होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जब आप किसी भी चीज़ को निकालते हो या गैस को किसी भी रूम के एक एंड में छोड़ते हो, तो वो डिफ्यूज होकर पूरे रूम में स्प्रेड आउट हो जाती है। गैसेस डू दिस काइंड ऑफ थिंग, कि गैसेस जो है पूरे ही रूम में स्प्रेड हो जाती हैं, और वो फिर कंटेनर के चारों तरफ जो है वो प्रेशर लगाती है। तो उनका थोड़ा सा बिहेवियर डिफरेंट है लिक्विड से, बट डिपेंडिंग ऑन हाउ हैवी दे आर एंड व्हाट काइंड ऑफ ओके सर, पोर्टिटी। लास्ट थिंग अबाउट प्रेशर इन लिक्विड्स, लास्ट थिंग अबाउट प्रेशर एंड लिक्विड्स, और आखिरी चीज ये है कि प्रेशर इन लिक्विड्स इज प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनली लिखना चाहिए दोबारा से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, सो बेटा आप सपोज करो मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर है, ठीक है, ये मेरे पास एक कंटेनर है, और इस तरह का मेरे पास एक नहीं बल्कि मल्टीपल कंटेनर्स बना लो, एक हो गया, दो हो गया, और ये सपोज कर लो तीन हो गए। ठीक है, अब हम कोई रियल वैल्यूज ले लेते हैं कुछ ही, हम रियल वैल्यूज ले लेते हैं कुछ डिफरेंट लिक्विड्स की। ठीक है, सपोज कर लो इसमें है मेरे पास वाटर, ठीक है, और इसमें है मेरे पास ग्लिसरीन, और इसमें है मेरे पास, चलो इसमें मैं कहता हूँ कुकिंग ऑयल है मेरे पास, और लास्ट वाला जो है इसमें है मेरे पास मर्करी। ठीक है, अब जरा वाटर की डेंसिटी तो मुझे पता है, वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg/m³। मरकरी की भी रफली डेंसिटी मुझे पता है 13,000 kg/m³ होती है, और कुकिंग ऑयल की जो है वो हम डेंसिटी इंटरनेट से निकाल लेते हैं। वैसे तो कुकिंग ऑयल 10 अलग तरह के होते हैं, लेकिन चलो खैर, कुकिंग ऑयल डेंसिटी तो कुकिंग ऑयल की डेंसिटी आ रही है तकरीबन 930, तकरीबन आ रही है 930 kg/m³। अब पहली बात तो ये देखो, हमने डेप्थ हर जगह सेम रखी है, राइट, सो वी हैव थ्री लिक्विड्स ऑल एट सेम डेप्थ, ताकि फेयर कंपैरिजन हो सके। सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ लगेगा, हु विल एग्जर्ट द मोस्ट प्रेशर ऑन इट्स बेस, वाटर, कुकिंग ऑयल या मर्करी? एग्जैक्ट, मर्करी विल एग्जर्ट द ग्रेटेस्ट प्रेशर ऑन द बेस बिकॉज इट हैज द ग्रेटेस्ट डेंसिटी। अब आपने जो प्रेशर एंड लिक्विड्स के बारे में जितनी बातें पढ़ी हैं, उनको फाइनलाइज करने के लिए, उनकी कैलकुलेशंस करने के लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना जरूरी है। ठीक है, ये सुन लो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय स्टैटिक लिक्विड्स, लिक्विड्स मतलब जो कि फ्लो नहीं कर रहे, रुके हुए, स्टैटिक लिक्विड्स इज कॉल्ड हाइड्रो स्टैटिक प्रेशर।
ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला याद कर लो, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इक्वल्स टू डेंसिटी, किसकी डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जिसकी वैल्यू अर्थ पे क्या होती है, 9.8। एग्जैक्टली, मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ। डेप्थ कहां से मेजर करनी है, टॉप सरफेस से मेजर करनी है। अगर मैं कहता हूँ इस पॉइंट पे प्रेशर निकालो तो आप यहां से यहां की डेप्थ मेजर करोगे, अगर मैं कहता हूँ इस पॉइंट पे प्रेशर निकालो तो आप यहां से यहां की डेप्थ निकालो, अगर मैं कहता हूँ बेस पे प्रेशर निकालो तो ऊपर से बेस तक की हाइट मेजर करोगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं, प्रेशर इज इक्वल्स टू डेंसिटी का सिंबल हमने पढ़ा था रो, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का सिंबल हमने पढ़ा है जी, और डेप्थ को हम हाइट की तरह या एच लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनना चाहिए। इज दैट क्लियर? कोशिश करें यूनिट्स का आपको बिल्कुल क्लियर पता हो, ये हमेशा आपको मीटर में लेने हैं ताकि ये आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर जिसे आप कहते हो पास्कल्स में निकाल सको, और ये आपके पास केजी पर मीटर क्यूब में होगी तभी सही आंसर आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, सो जस्ट कीप टेक केयर ऑफ द यूनिट्स। जी तो आपको पता है 9.8 की वैल्यू होती है, उसके यूनिट न्यूटन पर केजी होते हैं, बट दैट्स फाइन, आई थिंक उसके अंदर आपको कन्वर्जन करने की कभी ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अभी लेक्चर क्लोज आउट कर रहे हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ऑलमोस्ट हो गया, बस एक दो पॉइंट्स कवर करने वाले रह गए एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बैरोमीटर के बारे में, एंड देन इंशाल्लाह अगली क्लास में ही हम पास्ट पेपर्स भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, चलो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़। जो है आपने संडे को देना है टेस्ट।